फ्रेंड्स, तो मैं आपको बता दूं, ये हमारे साथ पूरा टीम है, एस एस कैमेरियन दारा नगर, ये रोहतास में है। और आप देख सकते होंगे कि ये गांव में हम लोग होते हुए देखिए कितना एक बहुत बड़ा टीम है। और आज हम लोग माँ तुतला भवानी के दर्शन करने चल पड़े हैं। और हमारे डायरेक्टर सर हैं गौतम सर, और प्रिंसिपल सर शशिधर पाठक सर। तो फ्रेंड्स, काफ़ी मज़ा आने वाले हैं, आप वीडियो में बने रहिएगा, और क्योंकि ये पहाड़ियों से होकर हम लोग गुजरने वाले हैं। तो आप वीडियो में बने रहिए, मैं आपको आगे दिखाता हूँ। फ्रेंड्स, माँ तुतला भवानी इको पर्यटन स्थल, रोहतास वन प्रमंडल सासाराम, रेडियो इको विकास समिति, ये बोर्ड लगा हुआ है और आपको यहाँ से दिख रहा होगा। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, हम लोग को वहाँ जाना है। यहाँ से लगभग कितना किलोमीटर पड़ेगा सर? दो से ढाई किलोमीटर ना? 3 किलोमीटर। हाँ, यहाँ से लगभग 3 किलोमीटर आपको पैदल चलना है, और उसके बाद आप माँ तुतला भवानी के आश्रम में पहुँच जाइएगा। तो आप मेरे साथ वीडियो में बने रहिए और मैं आपको दिखाता हूँ चल के। फ्रेंड्स, अब हम लोग पहुँच ही गए हैं, और काफ़ी मेहनत करते हुए देखिए हम लोग के थोड़ा हल्का हल्का पसीना आ गया चेहरे पर, और बहुत जल्द मैं आपको दिखाता हूँ, माँ तुतला भवानी का दर्शन कराता हूँ। और यहाँ पर एक सूचना बोर्ड लगा हुआ है, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग बिहार सरकार रोहतास वन प्रमंडल, यहाँ पर लिखा हुआ है मंदिर परिसर या उसके इर्द गिर्द बंदरों को अन्य खाद्य पदार्थों देना निषेध है, उल्लंघन करने पर वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत कार्रवाई की जा सकती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जब भी आप आए तो थोड़ा सा अपना सामान वगैरह का सावधानी से रखें, क्योंकि यहाँ पर जो भी बंदर वगैरह है आपके मोबाइल पर्स ये सब ले करके भाग सकते हैं। तो अपना सामान का सुरक्षा स्वयं करें। आप देख सकते होंगे माँ तुतला भवानी का ये प्रांगण है, और ये दोनों तरफ से ये ऊंचे ऊंचे पर्वतों से ये घिरा हुआ है। फ्रेंड्स, मैं बता दूं कि हम लोग कहिए लक्की भी है और अनलक्की भी है। लक्की इसलिए कि यहाँ पर अभी नदी में पानी नहीं है, वरना इस तरफ से कोई पार नहीं हो सकता है, और काफ़ी यहाँ पर घटनाएँ अक्सर होते रहती है। तो उसके लिए देखिए ऊपर से एक पुल बनाया गया है, आप देख सकते होंगे, बट अभी नदी में पानी नहीं है, तो देखिए शहर लोग अभी इसी रास्ते से आ रहे हैं, और थोड़ा सा झरना हमें निराश कर रहा है। आप देख सकते होंगे यहाँ पर कैसा ये सुंदर वाटरफॉल है। Thank you.
फ्रेंड्स, मैं आपको माँ तुतला भवानी का भी दर्शन कराता हूँ। और हालांकि झरना तो देखने को नहीं मिला, बट माँ तुतला भवानी का हम लोग दर्शन कर लेते हैं यहाँ पर। झंडा ले लिए थे सर? झंडा नहीं है, डंडा। डंडा चलिए, दोनों तरफ से जाने का रास्ता है। जैसे चलिए चलिए जल्दी जल्दी। वो अरे बंदर तो बहुत ज्यादा है जी। हाँ, इन लोग क्या चीज ऐसे कर रहे हैं? प्रसाद प्रसाद कहाँ से प्रसाद आए? अटैक कर दिया। चलो चलो, ये बहुत चलिए ना, आइए। ऐसे जगह पे टाइट नहीं रहता। मम्मी ये चढ़ाते चढ़ाते भी खींच रहा है। मार दिया, हमला कर लेगा, हमला कर लेगा। लीजिए बाबा। फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देखिए, बंदर लोग काफी परेशान किए हुए हैं। चलो जी, उधर से खोल दे दो, बैठो ना वहाँ पर पटाख से। फ्रेंड्स, हम लोग माँ तुतला भवानी का दर्शन कर लिए और यहाँ का काफ़ी आपको दृश्य का भी हम लोग कैप्चर कर लिए। अब यहाँ से हम लोग चढ़ने का प्लानिंग कर रहे हैं, आप देख सकते होंगे सब लोग।